आज आपको प्रेस वार्ता करिए, क्या कुछ पूरा विषय? धोखाधड़ी का कुछ? मेरा नाम राजकुमार भटनागर है, मैं इंदौर का निवासी हूँ। मैंने 2016 में नेवरी में एक पेट्रोल पंप खरीदा था प्रदीप रावल से, तो मेरे संग उसमें धोखाधड़ी हुई है। मेरे से पूरे पैसे ले लिए गए थे और ना ही मेरे नाम से रजिस्ट्री कराई गई थी, ना ही मेरे को कब्जा दिया गया था। और उस पेट्रोल पंप के संग उस पड़ोस वाले प्लाट का भी मेरे संग सौदा हुआ था। उस सौदे की रजिस्ट्री मेरे पास है, उसका नामांतरण मेरे पास हो चुका है। हम जब उस प्लाट पे जाते हैं तो हमको ये कह के भगा दिया जाता है कि यहाँ पर मत आना, नहीं तो हम तुम्हारे हाथ पाँव तोड़ देंगे। और ये कहा जाता है कि पुलिस, प्रेस और पॉलिटिशियन तीनों को मैं पीछे की जेब में रखता हूँ। यहाँ पे अशोक रावल, प्रदीप रावल, ये दोनों भाई है, नेवरी के निवासी है और ये आधाधन अपराधी है। इनके ऊपर पिछले कई मामले हाटपिपलिया और देवास में दर्ज है। और इनका साथी है एक राजेश गुप्ता, जिसके आपराधिक रिकॉर्ड हमने निकलवा है। अन्नपूर्णा थाने में भी इसके कई रिकॉर्ड दर्ज है इन्हीं धाराओं में। ये लोग क्या करते हैं कि किसी को भी पकड़ते हैं और उसको जमीन दिखाते हैं और उसको बेच देते हैं और उससे पैसा लेते हैं और उसको ना जमीन देते हैं और ना वापिस देते हैं और उसको डराते धमकाते हैं। मैंने 1,12,21,000 रुपए में पेट्रोल पंप और उसके पड़ोस की जमीन खरीदी थी। मैंने पूरे पैसे दे दिए हैं, 50 लाख रुपए मेरे ऑन अकाउंट में दिए हुए हैं, बाकी पैसे ये मेरे से नगद ले लेके जाते थे। नहीं, हम लोग राजेश गुप्ता की बातों में आ गए। राजेश गुप्ता ने कहा था कि वो राजेश गुप्ता इंदौर में रहता है, वो ये कहता था कि सब मेरे पहचान वाले हैं, कोई धोखे की बात नहीं होगी, कोई दिक्कत आएगी तो मैं हूँ आपके साथ, भरोसा करो आप मेरे पे। तो हम लोग उसकी बातों में आ गए, हमने हमारा कभी काम नहीं पड़ा है। क्या आपने रजिस्ट्री करी उसका? नामांतरण आपके नाम से? उसका नामांतरण मेरे नाम से है, बाकी मेरे को वहाँ जाने नहीं दिया जाता है। और अभी वर्तमान में उसने उस प्लाट के ऊपर सड़क बना दी है और ये कहता है कि वो पीछे जाने का रास्ता है। कब्जा लेने हम गए थे तो क्या होता, डरा धमका के हमको भगा दिया जाता था। हम लोगों के क्या, हमारे पिताजी बड़े सीधे थे, अब हमारे पिताजी भी नहीं रहे, हमारे पिताजी इसी टेंशन में चले गए। हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब है। आपने किसके साथ किया था सौदा? हमारा सौदा प्रदीप रावल और जमीन का सौदा अशोक रावल से हुआ था। पंप का सौदा प्रदीप रावल से हुआ था और जमीन का सौदा अशोक रावल से हुआ था। ये दोनों बीच में राजेश गुप्ता थे। 1,12,21,000 का पूरा पेमेंट कर चुके हैं हम इनको। शिकायत हमने 2021 में करी थी नेवरी चौकी और एसपी साहब को भी आवेदन दिया था, बाकी उस समय कोई सुनवाई नहीं हुई थी। और अभी हमने 5 मार्च 2024 को आवेदन दिया था हाटपिपलिया पे, तो अभी 23 तारीख को हमारी FIR दर्ज हो गई है। और FIR दर्ज होने के बाद ये तीनों आरोपी फरार हैं। आज आपने प्रेस वार्ता करी, क्या मदद चाहते हैं? हम ये मदद चाहते हैं साहब कि एक तो आप हमारा जो भी केस है आपके पेपर में स्थान देवे और इसको जो CM साहब है वहाँ तक हमारी आवाज पहुँचा दे ताकि हमको न्याय मिल सके। मेरा नाम राजकुमार भटनागर है, यादव नंद नगर में रहता हूँ, इंदौर का निवासी हूँ।